मेरे प्रिय दर्शकों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। नवरात्र की शुभकामनाएं। जैसा कि आज नवरात्र का चौथा दिन है और हमारे प्यारे बच्चे प्रखर राज ने बहुत ही सुंदर माता के रूप का, उनकी उपासना का वर्णन किया है, वहीं हमारे बेटे अभिषेक त्रिपाठी ने भी आज माँ कुष्मांडा की महिमा के ऊपर हमारे पास एक आर्टिकल भेजा है, जो कि मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी। लिखते हैं, नवरात्र की शुभकामनाएं। प्यारे बच्चे, आपको भी नवरात्र की चतुर्थी देवी माँ कुष्मांडा है। इसका एकमात्र मंदिर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील में स्थित है। हम आज नवरात्र के पावन दिनों में माँ कुष्मांडा देवी के मंदिर का इतिहास लेकर आपके सामने आए हैं। जानिए माँ कुष्मांडा देवी मंदिर के बारे में। माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर घाटमपुर क्षेत्र में कुढ़ा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें, इन्हें कुढ़ा देवी क्यों कहते हैं, जो कि अत्यंत एक रोचक घटना है। हमने बात की मंदिर के पिछले 60 वर्ष से रहने वाले व मंदिर के देखभाल करने वाले माली समाज के बुजुर्गों से, तो उनके अनुसार तो उनके बुजुर्गों के बुजुर्ग अर्थात जो कभी मंदिर की सेवा में रहते थे, उनके अनुसार यहाँ चारों तरफ घना जंगल ही जंगल था। वहाँ उस वक्त मुगलों का शासन खत्म हुआ था और अंग्रेजी शासन धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। इसी जंगल के कुछ खंडहर पड़े हुए थे और इन्हीं खंडहरों के पास कुछ ग्रामीण अपनी गायें जानवर वगैरह चराने आते थे। उन्हीं ग्रामीणों में एक कुढ़ा नाम का ग्रामीण भी अपनी गाय और जानवर चराने आता था। उसकी गाय इन्हीं खंडरों में एक जगह जाकर के अपना सारा दूध गिरा देती। जब ग्रामीण कुढ़ा अपनी गाय लेकर घर जाता, दूध धोने बैठता, देखता कि गाय के थन में दूध है ही नहीं, वो परेशान हो जाता। उसे लगता किसी ने दूध निकाल लिया है। कुछ दिन लगातार ऐसा होने पर उसने पता लगाने का प्रयास किया। उसने छुपकर गायों की निगरानी की। उसने देखा कि उसकी गाय एक निश्चित स्थान पर जाकर प्रतिदिन अपना सारा दूध गिरा देती है। अब उसने ये बात बाकी सभी ग्रामीणों को बताई कि मैंने 2-3 दिन लगातार निगरानी की और मैंने ये पाया। एक दिन सभी उस स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या देखा कि एक मटिया रूपी खंडहर पर मूर्ति लेटी हुई है और वो नवरात्र का चौथा दिन था और ये दिन होता है माँ कुष्मांडा का। गांव वालों ने कुष्मांडा देवी मानकर उसकी आराधना शुरू कर दी, पूजा उपासना करने लगे। इन सब के बीच लगातार गाय अपना दूध जाकर वहाँ गिराती रही। ग्रामीणों की आस्था दिन पर दिन बढ़ने लगी और उनकी उस मंदिर से मनोकामनाएं पूरी होने लगी। माँ के ऊपर जो नीर पड़ता उससे लोगों की आंखों की परेशानियां दूर होने लगी। इस मंदिर से उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होने लगी। बाद में इस घटना की जानकारी वहाँ उस राज्य के राजा घाटम देव को हुई तो वे भी दर्शन के लिए वहाँ आए। जब वहाँ आकर उन्होंने देखा तो प्रभावित हुए। उन्होंने सारा जंगल साफ करवा करके मंदिर का निर्माण करवा दिया और उसके बगल में तालाब का भी निर्माण करवा दिया तथा कुछ विश्राम गृह भी बनवा दिए, जिससे दर्शनार्थी आकर आराम से दर्शन कर सकें। अब इससे सभी ग्रामीण बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्थान का, उस गांव का नाम घाटमपुरवा रख दिया, जो बाद में चलकर घाटमपुर हो गया। मंदिर का नाम कुढ़ा ग्रामीण के नाम पर कुढ़ा देवी रखा गया। आज लगभग 400 वर्ष में मंदिर का स्वरूप धीरे धीरे पूर्णतया बदल गया है। इसके साथ ही मंदिर परिषद में विभिन्न देवी देवता व शिव मंदिर का भी निर्माण हो गया है। साथ ही नगर पालिका एवं माली समाज द्वारा इसका अत्यधिक विकास से मंदिर की अलग ही छटा नजर आने लगी है। कुष्मांडा देवी का मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, इसीलिए समय समय पर पुरातत्व विभाग भी मंदिर के विकास कार्य करवाता रहता है। नवरात्र के पावन पर्व पर कोविड-19 संक्रमण चलते इस बार कुछ हद तक
छोड़ दी गई है, इसलिए नवरात मंदिर में माता के दर्शन करने अवश्य आए। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माँ कुष्मांडा देवी की जय। देखिए अभिषेक त्रिपाठी ने कितने सुंदर शब्दों में आप लोग को मैया के मंदिर के बारे में बताया। अगर कभी आप लोग को उत्तर प्रदेश आने का मौका मिले, आप कानपुर आते हैं, तो आप घाटमपुर में जाकर माँ कुष्मांडा देवी का दर्शनों का लाभ अवश्य उठाएं। और मैया आप सब की मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो माँ कुष्मांडा की जय।